हाँ जी, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपका पैक पिथौरागढ़ से निकल पड़ा खलिया टॉप के लिए, और पहले दिन हम पहुंचे बिरथी। बिरथी पहुंच के हमने वहीं स्टे किया, और आज हम जाएंगे खलिया टॉप की चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो कल का दिन तो हमारा सफर में ही निकल गया था, पर आज हम फेस करेंगे रियल एडवेंचर। तो आगे की कहानी चलो शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए हैं बिरथी और दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, गुश्ती और नीचे मक्सी। सो इट्स 8 in the morning एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हियर। देखो, हिमालयस में अगर ट्रैक करना है तो उसका एक नियम है। नियम यह है कि यू स्टार्ट योर ट्रैक एट द अर्लीस्ट, कि जितना जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट करो उतना आपके लिए अच्छा है। वेदर फोरकास्ट दिखा रहा था 100% चांसेस ऑफ स्नो, तो हमें भी सुबह जल्दी निकलना था, पर आपको पता है ना, जब भी जल्दीबाजी करनी हो तो कुछ ना कुछ पंगा तो होना ही होना है। चाबी नहीं मिल रही यार, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। अब सारा सामान निकाल रहे हैं हम लोग और लेट हो गए, यहाँ बारिश भी होने लगी हल्की हल्की। मौसम बहुत बिगड़ रहा है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा लेट तो होना बनता ही इतने सारे लोगों। तो देखो, थोड़ा सा लेट नहीं हुए थे हम, लेट तो हम बहुत हो गए थे, पर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, हमें लग रहा था अब जल्दी से ये ट्रैक शुरू हो जाए, तो निकल पड़े हम यहाँ से। बेहद खूबसूरत रास्ते, पतली पतली सड़कें और उन सड़कों पे हम। रास्ते तो फिर भी ठीक थे, जो हवा थी ना वो इतनी ठंडी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसमें भी देखो भाई, खिड़की खोल के हाथ बाहर निकाल के वीडियो बना रहे हैं, वो क्या कहते हैं, व्लॉगर्स लाइफ। बिरथी से 45 मिनट्स चलने के बाद मुंशारी एंटर करने से पहले एक जगह आती है कालामुनी, और वहीं पे आपके भाई की एक साइट भी चल रही है। देखना कितनी सुंदर लग रही है साइट। याद है बाय द वे आपको? याद नहीं है ये वाली? आर्किटेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा, दिस राइट देयर इज आवर साइट। तो हम घूम भी रहे हैं और साइट विजिट भी हो गई। क्या कह रहा है, शेर आया था? सब पता है इसको, शेर आया था। नाइस। तो हाँ, इस साइट पे छोटी सी नजर मार के हम लोग चल पड़े आगे अपने सफर पे। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपने लिए पीने का पानी भर के चलो, तो हमने भी ये सोचा कि हम अपने लिए पानी भर लेते हैं। हम बस अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं और हम पानी भर रहे हैं पीने के लिए, फ्रेश वाटर, क्योंकि मिनरल वाटर वगैरह तो यहाँ पे मिलेगी नहीं हमें। गोस्ट भाग गया। तो हम बस ट्रैक शुरू करने वाले थे, और उस ट्रैक के शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा खलिया के बारे में समझाता हूँ। ये जो है आपको उत्तराखंड दिख रहा है, इसमें जब हम मुंशारी को सर्च करेंगे तो ये हम जा रहे हैं एकदम हिमालयस के पास। ये जो सिटी आपको दिख रही है छोटी सी, ये इसका नाम है मुंशारी, और इसके पीछे ये जो मैसिव पहाड़ आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है खलिया टॉप। देख रहे हो आप कितना मैसिव है। इन शॉर्ट आपको अगर समझाऊं तो ये रहा मुंशारी, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट, यहाँ तक हमें गाड़ी छोड़ती है, और यहाँ से हमें चढ़ना है इस पॉइंट तक, ये है हमारा बेस कैंप। तो पहले दिन हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर करने वाले हैं, और अगले दिन इस पॉइंट से खलिया टॉप तक। तो यहाँ से यहाँ का जो रास्ता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये ज़्यादा स्टीप है, और इसके बाद थोड़ा सा स्लो ग्रेजुअल हो जाता है। तो बस चलिए कहानी शुरू करते हैं। Saying bye-bye to our cars, सब रेडी हो रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं। So this is my bag, all set, पूरा, come on, 40 लीटर फुल है। मैक्स को भी हमने नंगू पंगू किया हुआ है एक्लिमेटाइज करने के लिए। जाते मैक्स, लुकिंग वेरी क्यूट बब्बा। बस हम चल रहे हैं ट्रैक के लिए।
यार मेरा बैग इतना भारी है ना, मेरी फटने वाली है। चिकन कहाँ है? कहाँ है? इधर खाए क्या? शिट मैन, ऑलरेडी इतना हैवी है बैग। तो देखो, चिकन नीचे से लेके जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऊपर या तो चिकन मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, और बच्चे तो सिर्फ चिकन खाते हैं, तो 3 किलो चिकन हमारे बच्चों के 2 दिन के लिए। अब 3 kg सो वेट बच्चों के लिए चाहिए। और फाइनली 10 बजे हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज कालिया 2.0। अच्छा, चलने से पहले हमने गोस्ट को हार्नेस पहना दी क्योंकि एज यूजुअल उसको खींचना तो पसंद है ही, तो मैंने सोचा कि मेरे एक आध भाई को खींच देगा ऊपर तक। शान को खींच रहा है गोस्ट, हमारा बॉय हीरो है। कम ऑन गोस्टी, चलो खींच दो, शाबाश, चलो 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 चलो। ये देख रहो मक्का मेरे साथ कैसे चल रहा है। चाहे कुछ हो जाए, मक्का मेरे साथ कभी नहीं छोड़ता, मेरा बेबी है ना ये। ईशान, हाउ डू यू फील ब्रो, टायर्ड? तो ये है ईशान, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईशान बहुत ही अमेजिंग बंदा है, पर हाँ थोड़ा सा अनफिट भी है, और इसी वजह से आने वाले कुछ घंटों में ये दिन ईशान की लाइफ का सबसे मुश्किल और सबसे मेमोरेबल डे होने वाला है। सांस नहीं आ रही है भाई को, कोई नहीं, बस थोड़ा सा ही है। ट्रैक के रास्ते में कई सारे लोग मिलते हैं हमें, और सभी को गोस्टी के साथ फोटो खिंचानी होती है, तो इसी बहाने हम लोगों का भी ब्रेक हो जाता है, सो वी डोंट माइंड इट। चलो चलो चलो, मैगी डैगी, चलो। हम चलते रहे और फिर वही हुआ जिसका मैं डर था, मौसम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मौसम बहुत ही स्केरी हो गया था, जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, और मक्का को तो वैसे ही बिजली से बहुत डर लगता है। मैक्स, बबू, कितना चलना है और? बिजली कड़क रही है, बिजली बिजली कड़क रही है, बिजली बिजली कड़क रही है बबू, बिजली कड़क रही है। चलें चलें मेरे बेबी, जैकेट तो नहीं पहनना, ठंडा तो नहीं लग रहा? तो गरम गरम हो रहा है हमारा बेबी एकदम मस्त। हमारा बच्चा अमेजिंग है, ईशान को खींच रहे हैं। गोस्टी गोस्टी वांट्स टू गो एंड मेक अ मार्क्स। मार्क्स हमारा मोटिवेटर है। हम 5 मिनट और चले थे कि वही हुआ जिसका मैं डर था, इट स्टार्टेड टू स्नो, बर्फ पड़ने लग गई, और अब आएगा आपको मजा। बर्फ पड़ने लगी बहुत तेज, तो मैक्स को उसका कोट बना देते हैं। ये गुड बॉय सुना राजा। सो मैक्स ये पूरा कवर्ड अप हो गया है एंड ही इज हैप्पी बॉय।
बिजली कड़की भाई। तो हुआ यूं कि हमारा पैक दो ग्रुप्स में बट गया। एक ग्रुप में गोस्टी, सूरी और बाकी लोग, और दूसरे ग्रुप में मैक्स, मैं, सज्जू और ईशान। और क्योंकि ईशान को चलने में दिक्कत हो रही थी तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। तो जो बाकी लोग थे हमारे ग्रुप में इंक्लूडिंग गोस्टी, वो हमसे बहुत आगे जा चुके थे और पीछे रह गए थे मक्कू और हम। बकचोदी सुन रहे हो अपने भाई की? अभी पता चलेगा बेटा, थोड़ा ऊपर चल कि क्या चाहिए था और क्या नहीं। अब बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है नमकी। एक्चुअली ईशान थक जा रहा है, तो ईशान को हम शौक दे जा नहीं सकते। यू नेवर लीव अ मैन बिहाइंड, नेवर। मैक्स, आई होप यू लाइकिंग इट बाबा, आई रियली होप सो। Stuck in between because of course Ishan chal nahi pa raha hai and you know, unfortunately Max is with us. So meko, I'm just afraid for Max ki isko thanda lage yaar. Bechara. Aaja. Come on boys. Yes. हमने बस 30% ट्रैक कवर किया था और ईशान के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। टेम्परेचर माइनस में था और इसकी जो जैकेट है ये बर्फ से धीरे धीरे गीली हो गई थी, जिससे ईशान की बॉडी का टेम्परेचर भी गिर रहा था। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर गिरना मतलब हाइपोथर्मिया, जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। जब भी ईशान रेस्ट करने के लिए रुकता तो उसको नींद आने लगती, जिससे मैं और सौरभ बहुत डर गए थे। तो सौरभ और मैंने डिसाइड किया कि सौरभ ईशान के साथ रुक जाएगा यहीं, मैं और मैक्स जाएंगे ऊपर फटाफट और वहाँ से हेल्प लेके आएंगे, ताकि हम ईशान को या तो वापस कार में या फिर ऊपर वापस लेके आ सकें। ऐसी फटी थी ना आपके भाई की, क्या बताऊं मैं। ईशान की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसको नींद आ रही है, ही इज़ फीलिंग रियली कोल्ड एंड इज़ शिवरिंग। तो दीज आर नॉट पॉजिटिव साइंस। सो मैं इनको छोड़ के आगे आ गया हूँ और मैं ऊपर जाके आई विल गेट सम हेल्प, प्रॉब्ली दोस्तों को अपने ले आएंगे। और मैक्स को भी ठंडा लग रहा है, मैक्स को रूम में गरम गरम छोड़ाएंगे। फक यार, रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा, शिट, एंड इट्स सो कोल्ड। फाइनली मक्का और मैंने फुल स्पीड से चढ़ना शुरू किया, पर गोस्टी तो ऊपर पहुंचने भी वाला था। चलो गोस्टी के पास चलते हैं। ओ गाइस, देखिए काफ़ी स्नो पड़ रही है और गोश्त को इतना मज़ा आ रहा है, और मैंने दुनिया में आज तक इससे सुंदर चीज़ कुछ नहीं देखी है। देखिए तो दोस्तों, अब हम बेस कैंप से करीबन 500 से 600 मीटर दूर हैं। भाई सबको थकाई लगती है ये खलिया टॉप चढ़ने में, या कहो तो बेस कैंप तक पहुंचने में, लेकिन मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी थकाई नहीं लगी, क्योंकि गोस्ट ने मुझे पूरे रास्ते पर खींचा है। हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। देखिए तो गाइस, बड़ा मज़ा आया आज। हाँ, हमारे सूर्य भाई को बहुत मज़ा आया, और नीचे आपके भाई की हालत आप खुद ही देख लो यार। चल मैक्स, आजा बेबी। शिट, रास्ता नहीं दिख रहा अब तो। आजा स्वीटी, कम ऑन, आजा, कम ऑन मैक्सी, आजा बेबी। देखो मुझे पता है
कि मेरी फूलती हुई सांसें सुन के आप मुझे जज करोगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके भाई की फिटनेस ना पॉइंट पे है। बस हुआ यूँ कि एक तो मैं बहुत तेज़ चढ़ रहा था ऊपर, क्योंकि मेरे को चिंता थी ईशान की। दूसरा मेरा बैकपैक बहुत हैवी था यार। एक्चुअली एवरीडे आई वॉक 7 किलोमीटर, जिसमें से 3 किलोमीटर हाइक है, बट ये बैकपैक नहीं होता है ना, सिर्फ ना फील नहीं हो रहा है, दिस इज़ रियली हैवी यार। उस बैकपैक में कुछ भी नहीं ना, 12-13 किलो वजन है एटलीस्ट, 3-3.5 किलो को तो चिकन ही है इनके बच्चों के। देन मैक्स के लिए 2 कोट्स हैं, मेरा एक जैकेट है, छोटा मोटा बहुत सारा सामान है, मेरा कैमरा वही 2 किलो के आसपास तो कैमरा गिर रही है, 2-2.5 किलो के आसपास तो मेरे कंधे दुख रहे हैं। अगर मैं इसके बिना होता हम शोर में पहुँच गया होता अभी तक। देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड समथिंग, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं और मैक्स एकदम अकेले हैं जंगल के बीच में, बर्फ़ पड़ रही है और एक छोटा सा शेल्टर भी नहीं जहाँ पे हम अपना सर छुपा पाएँ। और आपको पता है बर्फ़ के बारे में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, कि जब बर्फ़ पड़ती है ना तो सब कुछ म्यूट हो जाता है। मेरे को अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो बस अपने दिल की धड़कने की आवाज़। बस लाइफ में कितने बार ऐसी सिचुएशंस में आप फंसेंगे जब आप इतने नेकेड होगे नेचर के सामने, और जब ये फीलिंग मेरे अंदर आई ना, बस उसके बाद जैसे मेरा स्ट्रेस ही ख़त्म हो गया हो। और उसके बाद आपके भाई ने एकदम इंजॉय किया इस जर्नी को। This is so peaceful. This is so peaceful. This is so peaceful. Just me and Max here. And बर्फ पड़ रही है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसे बर्फ में अकेले। Of course with my boy. ये देखो मेरे पीछे पीछे रहता है मेरा बेबी माई श्वेती भाई। नोज से जो मॉइस्चर आ रहा है ना वो फ्रीज हो जा रहा है उल्टा। एक चीज़ जो मैंने सीखी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि आपके पास ना एनर्जी की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। सो आई एम कैरिंग रेड बुल, दिस इज फ्रीजिंग कोल्ड, दिस गिव्स अमेजिंग बर्स्ट ऑफ एनर्जी। लुक एट दिस गाय, क्रेजी लिटिल बॉय माय, बर्फ खा रहा है मेरा बेबी। मैक्स मैक्स चलो आ जाओ, कम ऑन बॉय, कम ऑन बेबी, कम ऑन, इट्स क्रेजी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नीचे मैं और मक्का एंजॉय कर रहे थे और ऊपर बेस कैंप पे तो गोस्टी बाबू फुल एंजॉयमेंट में अपने फॉलोअर्स के साथ। गोस्ट की फैन फॉलोइंग देख रहे हैं, हर जगह गोस्ट के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। देखिए भाई की फैन फॉलोइंग तो एक तरफा चल दिया दोस्तों। ऑलमोस्ट देयर, दिस इज वेयर वी गोना स्टे, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड ब्यूटीफुल, ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जिनसे भी हम हेल्प भेजेंगे शान के लिए। और फाइनली मैक्स और मैं पहुंच गए बेस कैंप। बेस कैंप पहुंचते ही सबसे पहले मैंने मैक्स के कपड़े चेंज करे, इसको ड्राई किया और इसको रूम में सुला दिया, और फिर सबको जाके बताया ईशान के बारे में। सुनते ही सबने गियर अप किया और उतरने लगे वापस नीचे सज्जू और ईशान को रेस्क्यू करने के लिए। जब हम नीचे उतर रहे थे यू वोंट बिलीव हमने क्या देखा। हमने देखा सौरभ और ईशान वो ऑलमोस्ट टॉप तक आ चुके थे। Look who's there. Fuck. Woo. Yes. Yes. Yes, bro. We did it. बस भाई 5 मिनट, hardly 5 मिनट भाई. Woo. Yes. Yes. Awesome. Yes. कॉल हो रहा है आपको देखना होगा, लव इट, क्या दिन था यार। ईशान ने प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो तो पहाड़ तो क्या है यार, आप अपनी लाइफ में कुछ भी जीत सकते हो। इतनी ज़्यादा मुश्किल और इतनी ख़राब तबीयत के बाद भी
वो बेस कैंप तक पहुंचा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्राउड ऑफ यू ब्रो, एंड आई एम लकी दैट आई हैव फ्रेंड लाइक यू। इतना सब होने के बाद भी इस दिन बहुत कुछ हुआ, पर वो आपको दिखाऊंगा मैं अगले एपिसोड में। पर तब तक एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों बच्चे देख रहे हो आप, पता है ये दोनों मुझको हर दिन इतना कुछ सिखाते हैं ना। कितना कुछ हुआ इनके साथ आज, और कैसे सो रहे हैं इतना पीसफुली। इतनी ज़्यादा ठंड है, और पता नहीं, मैं पता है अभी भी जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये दोनों मेरे पैर पे सोए हुए हैं, और दिस मेक्स मी फील कि मैं कितना लकी हूँ। शायद कुछ अच्छा ही किया होगा यार मैंने, जो ये दोनों मेरे पास हैं। खैर, सेंटी नहीं मारना चाहता मैं, बट कल हम चढ़ेंगे खलिया, और कल मेरा एक साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। तो इसी नोट पे द हिमालयन की ओवर एंड आउट।